सत श्री अकाल जी, मैं प्रदीप धीमान ते तुसी देख रहे हो वॉइस ऑफ पंजाब टीवी। खबर इस वेले चंडीगढ़ तो आ रही है, जिथे कि सीयू यूनीवर्सिटी दे विच एक सम्मेलन कराया जा रहा सी, एक प्रोग्राम करवाया जा रहा सी। इस प्रोग्राम दे विच मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी दे नाल कॉमेडियन ते एक्टर गुरप्रीत घुग्गी पहुंचे। तुहानू दस दिए कि गुरप्रीत घुग्गी वल्लों ना सिर्फ विद्यार्थियों नू उत्साहित किया गया, बल्कि चरणजीत चन्नी बारे भी बहुत वड्डियां गल्लां कह दित्तियां गई ने। सो देर ना करते हुए आओ तुहानू लै चलते हाँ गुरप्रीत घुग्गी की इस स्पीच वल। हैलो एवरीबडी, सारयां नू प्यार भरी सत श्री अकाल जी। सब तो पहला उन्हां टीचर्स नू मैं मुबारकबाद देना चाहना, उन्हां गुरु जन ओ मार्गदर्शक जिन्हां नू अज अवार्ड्स मिले ने। वैसे तो हर टीचर का अवार्ड उहदे स्टूडेंट की सक्सैस अपने आप च हुंदी है। अज हुणे असीं माणयोग वर्ती सीएम साहब साढ़े सरदार चरणजीत सिंह चन्नी जी नू सुन रहे सी। अज उहनां नालों ज़्यादा खुशी उहनां दे घर बैठे टीचर्स नू हो रही होएगी। हुणे उहनां ने मंच तों नाम ही लिया सी अपने टीचर मास्टर शेर सिंह हुणां दा। सो अज सरदार शेर सिंह हुणां नू उस टीचर्स जिहड़े उहनां नू पढ़ाउंदे रहे ने, उहनां टीचर्स नू किसे अवार्ड की लोड़ नहीं। अज उहनां दी पहचान इक्को ही है कि साडा पढ़ाया स्टूडेंट पंजाब दा मुख्यमंत्री है। सो असल अवार्ड टीचर दा ओह हुंदा, इह रैकग्निशन है जदों समाज तुहानू रैकगनाइज करदा तुहाडे चंगे कम्मां वास्ते, तुहाडे विशेष उद्यम वास्ते, स्पैशल जो तुसी समाज नू दिंदे उहदे वास्ते। मैनू बहुत खुशी हुई जदों चन्नी साहब नू आपां बोलदे आ सुन रहे सी। मोस्टली लोग चीफ गैस्ट दे सामने बोलना चाहुंदे ने, उन्हां दी तारीफ करना चाहुंदे हुंदे ताकि सुन लैण। उन्होंने बड़ा अनयूजुअल लैक्चर दिता अज, और यह भी बड़ी अनयूजुअल गल है कि असी उन्हां दे जाण तो बाद उन्हां दी पिठ ते तारीफ कर रहे हैं। किसी लीडर की पिठ पिछे तारीफ नहीं हुंदी कदी। अज जो बोल के गए ने ना जी, ये गल माणयोग सरदार सतनाम सिंह संधू साहब ने पहलों कहती, मैनू सीगा मैं कहांगा अपने एड्रैस विच कि एक भी गल उन्होंने राजनीति की नहीं की, स्पैशली अपनी पार्टी का नाम तक नहीं लिया, जिक्र नहीं किया उन्होंने किस पार्टी नू बिलोंग करते हो। अज पता लगा कि पंजाब का मुख्यमंत्री बोल के गया, किसी पार्टी का लीडर बोल के नहीं गया, किसी पार्टी का मुख्यमंत्री नहीं, एक स्टेट का मुख्यमंत्री बोल के गया। अज पता लग्या सानू। अज मैं मुख्यमंत्री साहब के भाषण के विच जो सुनिया, ये कहिंदे ना साइकल है दुनिया, हर चीज़ समय का एक चक्कर है, घूम के उसे थां ते आउंदा। अज मैनू लगता फिर घूम के दुनिया उसे थां ते आ गई है, सादगी दोबारा स्टेजां दे उत्ते आ गई, सादापन दोबारा मंच दे उत्ते आ गया। असी हमेशा जदों एक दूजे नू अपना आप वड्डा दिखाउणा हुंदा ना, शेखी मारनी हुंदी है, उदों दुनिया भर की सब तो नायाब चीज़ अगले दे सामने रखदे आ, घर आए दे सामने ऐसा मिठा लिया के रखदे आ कि अगला पुछे वो स्वाद की गल ना करे, कवे कितों लिया कदे देखिए ही नहीं। असी इस चीज़ वड्याई समझते हैं कि यार की अपने मुंडे दे व्याह दे डब्बा वो देना, मठियाई कलकत्ते मंगाउणी जिहड़ी इत्थे कदी किसी ने देखी ना होवे, पर सौं खा के दस्सिओ दुनिया भर दियां मठियाइयां खा लो, इत्थों सुकून तां गुड़ खा के ही मिलदा ना, जिहड़ा गुड़ नूं गुड़ दी डली नूं चक मार के स्वाद आउंदा उह दुनिया दी किसे मठियाई च नहीं हैगा। अज उह गुड़ वर्गी महक देखी, मैं गुड़ वर्गा स्वाद देखिया चन्नी साहब दे भाषण दे विच, तां गुड़ दा जिक्र कीता मैं। जिड्डी मर्जी वड्डी गड्डी बंदा जांदा होवे, इत्थे फिर सरहंद दे राह दे विच फतेहगढ़ साहब नूं जांदिआं 2 करोड़ की गड्डी भी रोक के 2 किलो गुड़ ही लै रही हुंदी सड़क तों, उह इह नहीं सोचदी कि हुण मेरी कोई गड्डी वड्डी है तो गुड़ ना लवां। इहदा मतलब जो मौलिकता दे विच अहसास ने उह कदे मसनूई भाषणां दे विच, झूठे भाषणां दे विच, झूठियां गल्लां दे विच सुकून उह सुखद अहसास कदे नहीं हो सकदे जो सच्चाई च अहसास है। अज मंच दे उच्चों सच्चाई बोल रही सी और सच्चाई जित के आई सी इत्थे, सच्चाई अज किसे हक दे नाल किसे ताकत दे नाल तुहाडे कोल आई सी, तुहाडियां गल्लां ही कर रही सी। चन्नी साहब अपने माता पिता का सन्मान सिर्फ लफ्ज़ां च नहीं करते, मंच दे उत्ते उन्होंने दिखाया। जदों असी अपने सब तो बजुर्ग टीचर माता जी नूं जदों सन्मानित किया, दुनिया भर के मैं बड़े फंक्शन अटेंड किए ने, किसी सीएम साहब नूं, किसी मुख्यमंत्री नूं, किसी मंत्री नूं भी, किसी MLA नूं भी इदां झुक के पैरों हाथ लाते मैं कदे नहीं देखे। जब तक उन्होंने पैरों हाथ नहीं ला लिया उदों तक उन्होंने सुकून नहीं आया। और मैं ऑनैसटली कहना कि वह कुछ भी ऐसा नहीं सी कर रहे जिहड़ा लोग देखण,
वह दिलों करते हैं। सो कह मतलब यह है कि सच्चाई की हमेशा जित होंगी है। और टीचर्स की जो मैं गल करा, अज जो उन्होंने अपने टीचर का नाम लिया तो मैनू भी अपने टीचर सरदार करतार सिंह होनी याद आए, जिहड़े उदों भी बजुर्ग सी ते बड़ी मुद्दत हो गई होएगी उन्होंने दुनिया तो गया होया नू, क्योंकि मैं उदों पहली च उन्होंने को पढ़ता हुंदा सी, फस्ट उदों साडे पहली कहिंदे हुंदे सी, पहली दूजी तीजी चौथी पंजवीं, साडे तो पढ़ाई भी तुहानूं पता जिहड़े हालातां च होई है, जिहड़े मेरे आण दे उन्होंने पता है कि छेवीं च जाके सानूं इंग्लिश लगनी, दसवीं च जाके समझ लगनी, कईआं ते उदों भी नहीं सी लगदी हुंदी। सो साडियां पढ़ाइयां होर तरह दियां होईआं, साडे स्कूल भी इदां दे हुंदे सी, पिंडां दे स्कूल हुंदे सी, जिहड़े स्कूल असीं पढ़दे हुंदे सी स्कूल दी बिल्डिंग ही नहीं सी हुंदी, जिद्दां ही धुप्प आ जाणी क्लास घड़ीस के छावें करनी पैंदी हुंदी सी सानूं, उत्थे क्लासां भी इदां लगदियां, पंजवीं बोर्ड थले, चौथी पिपल थले, तीजी तरेख थले, दूजी सफेदे थले, साडी पहली छांगे हुए दरख्त थले लगदी हुंदी सी, सानूं धुप्प ही लगदी रहिंदी सी, ते हालात यह होंगे सी, उत्थे विचे शमशान घाट हुंदा सी, नाल ही स्कूल हुंदा सी साडा, उत्थे कि इहदा संस्कार होना सानूं छुट्टी हो जाणी। एक दिन मैं ते मेरा दोस्त स्कूल वल नूं तुरे जाइए, रस्ते च वेख्या 95-95 साल दे दो बुढ़े बैठे, तो मेरे नाल दा कूणी मार के कहिंदा कुगी, मैं क्या कहिंदा वेखो अपनियां दो छुट्टियां बैठियां। तो असीं होर हालातां च पढ़े हाँ, हुण ते बच्चियां नूं लोरी अंग्रेजी च मिलदी, माँ ने इत्थे चुक्या हुंदा ट्विंकल ट्विंकल लिटल स्टार हाउ आई वंडर हाउ, ते बच्चा डर जांदा वे खरे लोरी च डाका पै गया, हाउ आई वंडर वट यू आर। हुण बच्चे नूं बेचारे ने उत्थे की पंजाबी सीखनी जिहनूं माँ नूं ही कंपलैक्स इन्ना भी इहदे नाल अंग्रेज़ी च ही गल करनी है, जम दिन कही जाणगे। अच्छा माँ की कोशिश होंदी है भी इहनूं स्कूल पढ़न तो पहला बी ए करा दें, बाकी स्कूल जाके पढ़े, उन्होंने बुखार चढ़िया होंगे, उदो थर्मामीटर ला के देखिए कितना बुखार है बीबी को, दस बेबी कंपाउडर है कितना उन्होंने नहीं पता, दिखाई जाएगी वो अपने आप नहीं पारा दिसदा होंगे तो बच्चे को कितों दिस पैना है, बीबी को आज बुखार है 102 कितना 102 कल कितना था, कल था 104 104 से 102 निकाले कितने बच्चे, उन्होंने बुखार च भी पढ़ाई जाती और शाम को 105 हो जाता, बच्चे को खंघ लगी होती मेरे बीबी को कौन सी आ रहा है, मेरे बीबी ग्लाइकोजन पिएगा, पता उसको स्वाद लगती है पिएगा कि वह कहेगा हाँ, खेखण करी जाएंगे अपने बच्चों नाल ही, फिर धक्के उन्होंने पियानगे नासा फड़ के ग्लाइकोजन पा के मेरे बेबी ने क्या पिया, जल्दी बता दो नहीं तो और पिला दूंगी, फिर उन्होंने दसना पैंदा ग्लाइकोजन, अच्छा मेरा बेबी ग्लाइकोजन की स्पेलिंग सुनाएगा, वो तो कहता नहीं एक चम्मच होर पिया दे काम औखा। कंपलैक्स ने मैं इतने मोहाली वेख्या किन्ने पिंडा के लोग इतने आ गए मोहाली वस गए ने, कंपलैक्स दियां मारियां बीबियां, अंग्रेजी आप नूं नहीं आउंदी, पंजाबी मुंडे नाल बोलनी नहीं, विचला राह लभ लैंदियां, हिंदी बोलो, फिर अपने बच्चे नूं कही जाणगे बड़ा शैतान है, मैं इसको सवेर से ढूंढ रही हूँ, मुझे थमले के पीछे मिला, मैंने कहा अभी छुपा ना छित्तर खाएगा मेरे से, मैं कह रही जी हिंदी का कोई लफ्ज नहीं, तेरा स्टाइल ही हिंदी का बस, बोली सारी पंजाबी, थमले पीछे छुपा पड़ा था, अभी छुपा तो छित्तर खाएगा मुझसे। सो एक कंपलैक्स ने सानू कि पता नहीं दूजी को फॉरन लैंगुएज आ गई तो असी बड़ी वड्डी जी को तोप है ना भीड़ लई बड़ा वड्डा सी मोर्चा फतेह कर लिया, कोई जबान का नुकसान हो रहा है, और सानू बड़ी ये गल शिद्दत नाल सोचनी पएगी कि पंजाबी जबान का किन्ना नुकसान हो, पंजाबी फोनैटिक्स किन्ने खराब होए ने, ये मैं तां गल अज कह रहा कि अज माणयोग टीचर्स बड़े बैठे ने सामने जिहड़े बच्चों अगों जबान पढ़ा सकते हैं। सो मैं बेनती करांगा जी कि जबान ते जरूर आपां गौर करिए, पंजाबी जबान साडी दिन ब दिन निगरदी जा रही है, खत्म होंदी जा रही है, कहिंदे हर बोली सीखो सीखनी भी चाहीदी पर पक्की वेख के कच्ची नहीं ढाई दी, पक्कियां लोगों दी बहुत ने पर जो कच्ची दा साडा अपना स्वाद है उन्हूं क्यों ढा दईए आपां, इह तां गुरमुखी है, गुरां दे मुख चों निकली बोली, एक एक अखर गुरु साहब ने एक ते एक, देखो असीं यूनिवर्सिटी बना के खुश हुंदे आ, असीं अज कितना प्राइड है साडे वास्ते कि साडी जिहड़ी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी अज 30,000 साडे कोल स्टूडेंट्स ने अज इत्थे, कितना माण है साडे वास्ते, कितना वड्डा इंफ्रास्ट्रक्चर है, असीं इन्ने चीज़ ते कितना माण हासिल करदे, तालियां एक करी बणदियां
सोचो ना तुसी जे दिल करदा ते मारो। पर इन्ना कुछ करन दे विच भी किन्ना कुछ लगा, कदे सोचिया कि असी जिहड़ी जबान बोलदे आ उह भाषा नूं डिवैलप करन लगे आ, लिपी नूं डिवैलप करन लगे आ, गुरु साहब ने कितने तरद्दद कीते होणगे, किन्नी मेहनत होई होएगी उस जबान दे उत्ते, किन्ना कम होया होएगा। ये ऊड़ा ऐड़ा ईड़ी ससा हा हा एवें नहीं बन जाता, वो एक एक अक्षर ते रिसर्च होंदी है, केड़ा अक्षर किवें कित्थे इस्तेमाल होना है, किहड़े जिहड़े फोनेटिक्स ने, किहड़ियां लगा मात्रा ने जिहड़ियां इहनूं हैल्प करनगियां, उहदी बकायदा व्याकरण तैयार होंदी है, उहदा उच्चारण तैयार होंदा है, अपनी लोगों की जबान के हिसाब नाल भाषा, एक लिपि जिहड़ी है, भाषा तो बदल जाती थोड़ी देर बाद, थोड़ी दूरी तो जाके भी बदल जाती है, एक लिपि ते काम करना बड़ा औखा है। कदे सोचिया गुरुआं ने किड्डी सख्त मेहनत दे नाल ये लिपि डेवलप की साडे वास्ते, जिन्हों गुरमुखी कहने आपां, असी उन्हों भुलन लगे हाँ, एक बारी भी दर्द नहीं महसूस करते अपने अंदर कि असी अपनी जबान तो दूर जा रहे हैं। और ये देखो अपने बोलचाल की भाषा के वेखिए, अणाणा खत्म हो गया शहरां च, अणाणा नहीं बोलदियां कुड़ियां स्पैशली अजकल, कनौड़ा खत्म हो गया, लल्ले पैर बिंदी का मतलब भुल गया लोगों नूं, हुण तुसीं विआहां ते कुड़ियां गाउण गाउंदियां ने ढोलकी नाल बेचारियां, पहले अजकल तो वैसे भी गाउण भी नहीं बिठाउंदे विआहां ते, जे बिठाउण भी तो उन्हां नूं पंजाबी गाने नहीं आउंदे, अपने पिंडां दे विआहां च लगी जांदे, माए नी माए मुंडेरे पे तेरी बोल रहा है कागा, जिदां सवेरे शाहरुख खान ने विआहुणा आउणा, फिर विआहुण ते बलकार सिंह ने आउणा ना, ते विआह किवें ने भोली लै के जाणी है, फिर अपने गाने क्यों गीत क्यों भुलदे हो अपने, हुण चक्कर जे गा भी लैणगियां तो उही गाणगियां, काला शा काला नहीं काला मेरा काला, उन्हों काला ही नहीं कहना होंदा, काला ही कहिंदियां ने, क्योंकि लल्ले पर बिंदी का पता ही नहीं मतलब की है, रोटी दे नाल मूली खानी, मूली मूली नहीं होंदी, मूली लल्ले पर बिंदी है, पैली च जाना असी पैली च गेड़ा मारन गए, पैली नहीं कहिंदे पैली, असी पैली च गए सी अपनी, पैली नहीं होंदी पैली, लल्ले लल्ले पर बिंदी है, उहदा कोई मतलब है, और कसूर इन्हों का भी नहीं, मैं देखा अजकल टीचर्स भी नहीं सही तरह पढ़ा रहे, गुस्सा ना करो मेरी गल तो, जिहड़े पंजाबी पढ़ाउंदे, वह बच्चे अगे 30 बच्चे बैठे होंदे, मैडम का जोर लगा हुंदा, जजे पैर बिंदी जा बोले, अगे 30 बच्चे जजे पैर बिंदी जा बोले, जे जजे पैर बिंदी जा ही बोलना तो बिंदी फा लैनू पाउणी है, दसो तो जी जजे पैर बिंदी ज बोले, हुण ज दी असीं अगर आवाज़ साउंड असी नहीं बच्चे दे अंदर भरांगे तो अंदर डिवेलप ही नहीं होनी ज़्यादा आवाज़, सो इदा ही नाणा खत्म हो गया, कणक नहीं कहिंदियां कुड़ियां, कनक पानी पीना, फिर कहिंदी दुध है दुध, मैं कहनी इन्ना पतला नहीं साडे घर घर दा आउंदा खालस, साडे घर दुध आउंदा, दुध नहीं आउंदा साडे घर, दुध पीना, मैं कहा ना पीवी इहो जिहा लगदा नहीं हुंदा, आ जिहड़ा है ही दुध उत्तों तो पीना है, उन्हें की लगना, ये तो स्टेज पर कही जाती ने भी एक पग की पिन मिल जाएगी, पग की पिन, मैं इन्नी तिखी नहीं मेरे को पिन है, इन्नी तिखी पिन नहीं हैगी मेरे को, जबान नू असर पै रहा हर चीज़ का, हुण कनौड़ा मैं खत्म हो गया, फौजी नहीं कहा जाता फौजी, कौली नहीं कहा जाता कोली, पौड़ियाँ नहीं कह सकदियाँ पौड़ी, अरे फौजी ने पौड़ी च बह के कौली च पा के चौल खाधे, फिर तौलिए नाल हाथ पूंझ ले, ना तौलिया कहना आता ना कौली ना चौल, सो इस जबान का यह मत सोचो कि एक एक शब्द का एक एक मात्रा का नुकसान हो रहा है, डे बाय डे एक एक इट जो टुटती है तो कंध ढह जाती होंगी, कंध फिर खड़ी नहीं रही, एक एक इट ही डिगदी होंगी है, कंध ढह जाती होंगी है, याद रखियो कंध तुहाडे हत्थां च है, जे तुहाडे टाइम च तुहाडे दौर च कंध डिगी तुहानू आने वाले समय ने कदे माफ़ नहीं करना, एक कंध बचा लो, अपने अपने हिस्से की इट बचा लो, एक कसूर जिदा चन्नी साहब फिल्मों का जिक्र करके गए, फिल्म बहुत वड्डा मीडियम है, फिल्म बहुत वड्डा माध्यम है, फिल्म ने अज देखो एक टाइम सी जदों फिल्मों ने एक नवा एक रंग फड़ लिया सी, उदों जट तो घट कोई फिल्म ही नहीं सी बनती, गुस्सा जट का, बदला जट का, घोड़ा जट का, साइकिल जट का, खुरपा जट का, तंबा जट का, पता नहीं की कहड़ा कहड़ा जट का, तो मैं क्या सारे प्रोड्यूसर रल के एक कोई फिल्म बनाओ आखिरी जट, तो जट नूं वेला करो होर काम भी लगे किसी, और डायलॉग डिलीवरी बड़ी कमाल दी हुंदी सी, ओए तू मेरी भैन नूं, सामने खलोता बंदा कोई 2 किलोमीटर ते खड़ा,
तू मेरी भैन नू राह च रोक के फिक्के खरबूजे खवाउना, मैं तेनू खूह वाली टाली नाल बन के मार दियांगा। ओए इदा कौन बोलता मैं दसो पंजाब च? पर सामने वाला वेख ओए केड़ी टाली नाल बन के मारन दी गल करना, ओ टाली ते मेरे बापू ने कल दी वढा छड्डी। लो ए डायलॉग डिलीवरी, और इदा नहीं ओ की बच्चे लैके जाणगे उत्थों। और दूजी गल सी साडे को पंजाब दे विच पंजाबी फिल्मां दे आर्टिस्ट ही नहीं सी हुंदे, क्योंकि जिन्हें पंजाबी दे पंजाब दे चंगे आर्टिस्ट सी वो सारे बॉम्बे भज जांदे हुंदे सी स्टार बनने वास्ते। तां ही अज 80% 90% हीरो बॉम्बे च जिन्ने फिल्मां च काम करदे सी वो पंजाबी सीगे। पंजाबी च काम करदे नूं शर्म आउंदी सी, इत्थे कौन काम करदा सी? जे एंड के तो आके बेचारे आर्टिस्ट जिहड़े पंजाबी नूं प्यार करदे सी वो काम करदे सी, पर उहनां दी भाषा ते फिर वो नहीं ना हो सकती जिहड़ी साडी ओरिजिनल है इत्थों दी। फिर फिल्मों से डायलॉग भी इदा देंदे सी, हाय हाय कदों दी पिकैनी आ, कुड़ी दी उम्र लंघदी जांदी है, चंगा मुड़ा कोई नहीं लभना। अगो उहदा प्यो भी कहिंदा सी फिकर ना कर लाज उहदी मां, मैं अपनी लाजोती वास्ते इहो जिहा मुड़ा लवांगा, इहो जिहा मुड़ा लवांगा, तारा पिंड वेखदा रह जाएगा। हुण उहनां दी भाषा नहीं बेचारे इन्नी पंजाबी बोल लैंदे सी, बड़ी गल सी। सो गल है भी कहिंदे खस हालियां भी छड्डी ते पालियां भी छड्डी, खसमां तो नहीं ना छड्डी जांदी फिर। सो जे जबान दे वारस ही जबान नूं छड्ड देणगे ते फिर ते जबान दा कुछ नहीं हो सकदा। सो मेरे कहिण दा आखर च मतलब यही है, तुहानूं बेनती है कि अपनी भाषा नूं अपनी जबान नूं प्यार करिए, और टीचर्स इस दे विच सब तों वड्डा रोल अदा कर सकदे ने। और मैं माण नाल कहिणा कि जिन्ना मैं पंजाबी दा मुरीद बन सकिया, जिन्ना मैं पंजाबी दे नेड़े जा सकिया, उहदे विच सब तो वड्डा योगदान मेरे पंजाबी टीचर मेरे मैडम मैडम प्रीतम कौर जी का, मरहूम मैडम प्रीतम कौर। जदों मैं स्कूल का सब तो नलायक स्टूडेंट हुंदा सा, मैं बैक बेंचर हुंदा सा, आई वॉज वेरी बैड इन एकेडमिक्स, क्योंकि मैं आर्टिस्ट सीगा, मेरा इंट्रस्ट नहीं सी हुंदा पढ़ाई च, ते हुण मैनूं कुट कुट के किन्ना क पढ़ा सकदे सी, उन्ना की पढ़ीदा सी जिहदे नाल 33 नंबर आ जाण। ਉਹ ਜਦੋਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਕੇ ਆਈਦਾ ਸੀ ਘਰੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾਈਦਾ ਸੀ, ਇਹ 'ਚੋਂ 8 ਆ ਜਾਣੇ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ 3, ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ 9, ਜਦੋਂ ਨੰਬਰ 28 ਬਣਨੇ ਨਾ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ, ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ 9 ਮਿਲ ਸਕਦੇ, 8 ਨੂੰ ਆਪੇ 9 ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕਰ ਕਰਾ ਕੇ 32.5 ਤੱਕ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਧਾ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਗ੍ਰੇਸ ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। 33 ਨੰਬਰ ਘਰੇ ਕਰ ਲੈਣੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਚਲੋ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਚੰਗੇ ਸੀ, ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਡਮ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੌਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਲਾਸ ਸੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਐਸੇ ਲਿਖਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਾਇਆ ਐਸੇ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਐਸੇ ਲਿਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਸੀ ਹੁਣ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਡਮ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਉਹ ਵਾਲਾ ਐਸੇ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਤਾਂ ਅਜੇ 76 ਪਏ ਲੈ, ਮੈਡਮ ਨੇ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਪਰ ਮੈਡਮ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਦਣ ਕਲਾਸ 'ਚੋਂ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਐਸੇ ਪੜ੍ਹ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਕੁਛ ਦੇਖਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਸੀ ਇਹਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਲਈਆਂ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ। ਇਹ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵਿਟੀ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਜੋ ਆਪਣਾ ਥੋਟ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਜੋ ਆਪਣਾ ਟੇਕ ਸੀ ਉਸ ਗੱਲ 'ਤੇ, ਇਹਨੇ ਉਹ ਲਿਖਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਲਕੀਰ ਦਾ ਫਕੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਵਿਜ਼ਨ ਵੀ ਹੈ ਉਸ ਟੋਪਿਕ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਟੋਪਿਕ 'ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੇਵਰੇਟ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਉਚਾਰਨ ਇੰਨਾ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕੁਛ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉੱਠ ਕੇ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਤਾਂ ਟੀਚਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀ ਟੀਚਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਹੀ ਭੁੱਖਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੈਂਪਰ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਵਡਿਆਉਣ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਡ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਚਾਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੈਸਟ ਕੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ, ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ 9ਵੀਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਸਿਲੇਬਸ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਮਾਟੀ ਕੁਦਮ ਕਰੇਂਦੀ ਯਾਰ, ਮਾਟੀ ਕੁਦਮ ਕਰੇਂਦੀ, ਮਾਟੀ ਘੋੜਾ ਮਾਟੀ ਜੋੜਾ, ਮਾਟੀ ਦਾ ਸਵਾਰ ਮਾਟੀ ਕੁਦਮ ਕਰੇਂਦੀ, ਮਾਟੀ ਮਾਟੀ ਨੂੰ ਦੌੜਾਵੇ ਮਾਟੀ ਦੀ ਖੜਕਾਰ ਮਾਟੀ ਕੁਦਮ ਕਰੇਂਦੀ, ਮਾਟੀ ਮਾਟੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਚੱਲੀ ਮਾਟੀ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਮਾਟੀ ਕੁਦਮ ਕਰੇਂਦੀ, ਜਿਸ ਮਾਟੀ ਪਰ ਬਹੁਤੀ ਮਾਟੀ ਤਿਸ ਮਾਟੀ ਹੰਕਾਰ ਮਾਟੀ ਕੁਦਮ ਕਰੇਂਦੀ, ਥੱਕ ਹਾਰ ਫਿਰ ਮਾਟੀ ਹੁੰਦੀ ਪੈਂਦੀ ਪਾਉਂ ਪਸਾਰ ਮਾਟੀ ਕੁਦਮ ਕਰੇਂਦੀ, ਬੁੱਲਾ ਏ ਬੁਝਾਰਤ ਬੁੱਢੇ ਲਾਹ ਸਿਰੋਂ ਭੋਏ ਭਾਰ ਮਾਟੀ ਕੁਦਮ ਕਰੇਂਦੀ, ਕੁਦਮ ਕਰੇਂਦੀ ਯਾਰ। ਇਹ ਮੈਂ 9ਵੀਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਯਾਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਡਰਾਮਾ ਆਪਣੀ 5ਵੀਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਆਪੇ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਨਾਲਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੀ 9ਵੀਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚੋਂ ਇਕਾਂਗੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ।
सो भाषा तुहानू इदां डिवेलप करदी है, भाषा तुहानू इदां विकास करदी है तुहाडा। सो मेरी अज की बेनती सिर्फ इन्नी कबूल करियो क्योंकि टीचर साहबान इत्थे ने, मैं बस बहुता समा नहीं लैना जी कि जबान नू। सो पंजाबी मां बोली बारे विद्यार्थियों बारे गुरु की की भूमिका होंदी है एक विद्यार्थी की जिंदगी दे विच, इहदे बारे गुरप्रीत घुग्गी ने बहुत ही वड्डियां गल्लां कहियां ने। की कहना चाहोगे तुसी इस पूरी खबर नू सुनन तो बाद अपने विचार तो ही सानू कमेंटा राही जरूर दसना। देश अते दुनिया नाल जुड़ियां तमाम ताज़ा तरीन अपडेट्स दे लई बने रहना साडे नाल ते देखते रहना वॉइस ऑफ पंज आप टीवी।